गुड मॉर्निंग गाइस, आप सबका मेरे क्लास में स्वागत है। मैं राकेश सर आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 10 जो 12.2 एक्सरसाइज से है। चलिए पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं। एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड। कहता है एक, देखिए यहाँ पर अम्ब्रेला बना हुआ है, इसमें 8 रिब्स है और इनके बीच जो है ना इक्वली जगह है, इसके बीच जो है ऐसे इक्वली जगह, ये स्पेस जो है इक्वली है। एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। कहता है कि अम्ब्रेला को अगर इस तरह खोल के सर्कल बना दिया जाए, है ना, सर्कल बना दिया जाए तो इसका जो रिब्स है, ये जो रिब्स जो दिखाई देता है आपको, ये 45 सेंटीमीटर है, समझे। एंड फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रिब्स। इस रिब्स के बीच में जो एरिया है ये हमें फाइंड आउट करना है गाइज, ओके। तो आइए हम सॉल्यूशन लेते हैं। फर्स्ट देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी पूरा सर्कल जो है 8 पार्ट में डिवाइड है। दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा गाइस 360 डिवाइडेड बाय 8 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे तो ये 45 डिग्री बन जाएगा, ओके। एंड रेडियस इज हियर 45 सेंटीमीटर। दैट मीन्स एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। गाइस यहाँ जो है दो रिब्स है वो सेक्टर बना रहा है, इसलिए हम सेक्टर का फॉर्मूला लेंगे थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर और इसमें सारा कुछ पुट कर देंगे गाइस। तो देखिए थीटा हमारे पास 45 डिग्री है, अपॉन 360 मल्टीप्लाई 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 45 गाइस, ओके। 45 वन जा 45 8 जा रिड्यूस करेंगे तो 360 आ जाएगा, ओके। और 2 4 जा 8 2 11 जा, दैट मीन्स आपको आंसर मिल जाएगा गाइस 11 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 45 अपॉन 4 इंटू 7, ओके गाइस। यहाँ रफ में आप 45 मल्टीप्लाई 45 कर सकते हैं, फिर जो आंसर आएगा उस आंसर को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो फाइनल आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा गाइज। तो आप रफ पेपर में मल्टीप्लाई कर लीजिए, जब इन सारे को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 22275 अपॉन 74 जा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर गाइज, ओके। जो रिब्स है उनके बीच जो एरिया होगा वो होगा 22275 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज योर आंसर गाइज, ओके।